ओके, बिग बॉस की यादें कितनी आती है ना, उस घर में आपने इतना टाइम बिल्कुल नहीं बिताया। आती मैम, बिग बॉस की याद मुझे 1% भी नहीं आती ना। मैं उस घर में कभी वापस जाना चाहता हूँ, ना मुझे उस घर की बिल्कुल भी याद आती है। और टाइम मिल भी जाता मैं तब भी बिग बॉस नहीं देखता। हे गाइस, दिस इज ईशान सहगल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीबाइट्स। ओके, ईशान हमारे साथ है और बिग बॉस की हम बातें ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो इस सीजन को आप कितना फॉलो कर रहे हैं और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इस सीजन में? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, आई एम नॉट गेटिंग एनी टाइम टू वॉच बिग बॉस। और टाइम मिल भी जाता मैं तब भी बिग बॉस नहीं देखता। It's not that I have something against Big Boss. It is that I don't watch it. I mean, I'm not a fan of Big Boss. As in, कि मैं घर बैठूं और मैं Big Boss देखूं। Yeah, it was a great opportunity given to me that because of which I made a name for myself. But मैं घर बैठ के Big Boss अभी follow नहीं कर रहा। Okay, Big Boss की यादें कितनी आती हैं ना उस घर में आपने इतना time बिताया? बिल्कुल नहीं आती मैम, Big Boss की याद मुझे 1% भी नहीं आती। ना मैं उस घर में कभी वापस जाना चाहता हूँ, ना मुझे उस घर की बिल्कुल भी याद आती। ओके, कोई प्रोमो एपिकेस वगैरह भी आपने इस सीजन का नहीं देखा है कंटेस्टेंट्स से रिलेटेड? नहीं, मुझे ऑब्वियसली पता है कंटेस्टेंट्स, आई मीन शिव ठाकरे हैं, अब्दू आई फाउंड वेरी वेरी क्यूट। मेरा एक फेक आईडी था जो ट्विटर पे वो सपोर्टिंग प्रियंका, सो आई गॉट टू नो कि प्रियंका है सपोर्ट कर रही है। माय फैमिली इज वाचिंग इट, माय फैमिली इज लाइकिंग द शो, बट मेरा कोई लेना देना नहीं। ओके, बिग बॉस के बाद आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए हैं? मैम सो दैट जैसा मैंने कहा, बिग बॉस मैं बिग बॉस का उस तरीके से फैन नहीं कि मैं बैठ के देखूं। बट अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज बिग बॉस फॉर मी, अ प्लेटफॉर्म दैट चेंज्ड माय करियर, अ प्लेटफॉर्म दैट गेव मी माय नेम, सो आई विल ऑलवेज हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर बिग बॉस। ऑलराइट, आई मीन 8-10 साल की हम मेरी जितनी मेहनत थी, सिंस आई मीन आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई केम टू मुंबई, I had no contacts in my phone. I had no idea. यार यहाँ पे ऑडिशन देते कैसे हैं, मिलते किन लोगों से हैं, कोऑर्डिनेटर्स कौन होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस कौन से हैं। तो धीरे 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 आई हैड दिस पैशन कि यार नहीं, जिंदगी में करना है तो यही करना है। 8 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, करना यही है। तो बस उस वो मेहनत थी वो करते गए, तो बिग बॉस हैपेंड एंड देन ऑल द हार्ड वर्क दैट आई हैड पुट इन फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स, इट ऑल became justified. I mean, मैं कहीं जाता था सो पीपल की हम आपके फैन हैं, आपके साथ पिक्चर्स चाहते हैं। तो ये जब छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं तो वो जो एक जर्नी थी 8 से 10 साल की, उस जर्नी का वो फ्रूटिफाई हुए, उसका रिजल्ट मिला। When people came to me, they told me their fans हैं, आपको बिग बॉस में बहुत पसंद किया है, appreciated my physique and all of that. So yeah. Okay, और yeah. उसके बाद ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं। So yeah. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.